और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर आए नए तूफान की वजह से हलचल तेज हो गई है। थोड़ी देर में अमृतपाल सिंह का सहयोगी लवप्रीत तूफान जेल से रिहा होगा, यही तूफान है जी हां जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। रिहाई से पहले अमृतसर के अजनाला में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच अमृतपाल सिंह ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अमृतपाल ने कहा कि हमें आजादी की बात करने और आत्मनिर्णय का अधिकार मिले। इंडिया टीवी से बातचीत में अमृतपाल सिंह ने भिंडरांवाले का भी नाम लिया और कल ही हिंसा के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि पहले ही केस रद्द करने की हमारी मांग मान ली गई होती तो कुछ नहीं होता जो कल देखने को मिला था। सुनिए हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद से अमृतपाल सिंह ने ये पूरी बातचीत में क्या क्या बातें कही। ये कि हर कोई आपके पास आ रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, पूछ रहा है, लेकिन अभी तूफान सिंह की क्या कंडीशन है, क्या उन्हें छोड़ दिया गया है, कब छोड़ा जाएगा, क्या आपकी बात हुई? उनकी रिहाई के ऑर्डर्स हो चुके हैं। हाँ। वो जो कुछ प्रोसेस होता है वो चल रहा है, टाइमिंग हमें मिल जाएगी तब हम लेने जाएंगे उन्हें। अच्छा, हर कोई जानना चाहता है कि आप क्या चाह रहे हैं। आपने कहा कि पॉलिटिकल हो रहा है, आपके साथ दबाव बन रहा है, आम आदमी पार्टी का ये पूरा प्रोपेगेंडा था, किस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हर कोई आपकी तरफ देख रहा है, अलग अलग तरीके की बातें कर रहा है, आप कैसे क्लैरिटी के साथ बताएंगे इस बात को? देखो, हम कुछ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पंजाब का यूथ ड्रग से बाहर है, सिखी का प्रचार हो, कन्वर्जेंस बंद हो, जो क्रिश्चियनिटी के कन्वर्जेंस हो रहे हैं पंजाब में, हमें हमारी आज़ादी की बात करने का अधिकार हो, हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट्स हो जो डेमोक्रेसी में सबको होते हैं। हम पीसफुल मैनर में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पीसफुल चीज़ों को जब दबाया जाता है तो वो चीज़ें इरप्ट होती हैं, जैसे वेलकनो इरप्ट होता है नीचे, तो वैसे ही सब कुछ होता है। सो सबको समझना चाहिए, पंजाब इज़ टोटली डिफरेंट फिनोमेना। जब आप बाहर बैठे हैं पंजाब से, पंजाब में आप ये अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए 10 सेकंड का लूप वीडियो चल रहा है पंजाब, ऐसा कुछ पंजाब में नहीं। आप पूरा चल के आए कि कौन सी वायलेंस हो रही है यहाँ पे, इससे बड़ी बड़ी वायलेंस बाहर हो जाती है, ट्रेन फूंक दी जाती है मध्य प्रदेश, दिल्ली, इधर सब जगह पे कोई नहीं कहता स्टेट अनसेफ हो गई है, क्राइम रेट पंजाब में लो है, गन वायलेंस पंजाब में लो है। गन पोजेशन और गन वायलेंस को मीडिया मिक्स करता है, पोजेशन डिफरेंट चीज़ है, वायलेंस डिफरेंट चीज़ है। पंजाब में गन वायलेंस गाजियाबाद से लो है, एक सिटी से, दिल्ली से लो है। सो हमें ये बताना कि हम वायलेंट हैं ये चीज़ें अच्छी नहीं है। देश के लोगों को ये समझना चाहिए, इंडिया के लोगों को, यूनियन ऑफ इंडिया के लोगों को, कि हर एक डाइवर्स आइडेंटिटी होती है, ये असिमिलेशन बंद की जाए। सिखों को डिफाइन करना कि सिखों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरुद्वारे में ये नहीं हो सकता, ये हम लोग डिफाइन करें, ये हमारे गुरु ने डिफाइन किया उसको हम फॉलो करेंगे। डू नॉट डिफाइन अस, और अगर आप डिफाइन करना बंद कर देंगे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। सबने वीडियो देखा, जैसे ही तूफान सिंह जी को अंदर जेल डिटेन किया तो सब लोगों ने वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ काफी ज्यादा, जो जिस वायलेंस की बात कर रहे हैं वो तस्वीर सब जगह चल रही है, आप उसे लूप में कह लें या जो भी कह लें, वो हकीकत तो थी या हकीकत होती है, इसे टाला जा सकता था कैसे? ये FIR हुई 17 तारीख को, मैं कब से बोल रहा हूँ सब मीडिया में इसकी जांच की जाए, हायर अथॉरिटीज को चेक करे, हम इनोसेंट हैं, ऐसे ना किया जाए, ये हमारे प्रचार को रोकने के लिए हो रहा है। ए समबडी हैविंग अ पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट मी, उसने फेक अफेयर, मेंटली अनस्टेबल बंदे की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो पुलिस को पहले करना चाहिए था जो कल किया उन्होंने, ये सब नहीं होता। मैंने पहले कॉल दी सेम डे की अजनाला जाने की, मैंने उसको कैंसिल क्यों किया? संगत ने बोला आप उस दिन कैंसिल करके आए नहीं, इसलिए कि प्रशासन बोला था हमें अभी FIR लॉन्च की, हमें चेक करने दें, हम सब करेंगे। और जब उन्होंने FIR लॉन्च करके सब कुछ चेक नहीं किया, फिर मैंने उनको उन्होंने मंडे का टाइम दिया मुझे, मैंने उनको वेडनेसडे का टाइम दे के थर्सडे पे आया हूँ। तो उनको समझना चाहिए, यूथ को आप सप्रेस नहीं कर सकते। कल सप्रेस कर रहा है आपको, क्या पॉलिटिकली हो रहा है? इंडियन स्टेट हमें सप्रेस कर रही है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर, पासपोर्ट तो महात्मा गांधी जी के पास ब्रिटिश इंडिया का था, तो वो ब्रिटिश इंडिया के फेवर में चले गए, ऐसा नहीं होता। पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, ये सिटीजनशिप की आइडेंटिटी नहीं होती। आई कैन कंसिडर माई सेल्फ एज नॉन इंडियन सिटीजन Just because I am having a passport, that doesn't make me a Indian citizen. इसीलिए आप खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, और एक बार फिर से खालिस्तान की बात जैसे भिंडरवाला ने की थी वैसे ही आप कर। देखे, खालिस्तान की बात संत भिंडरांवाला ने पहली बार नहीं की, खालिस्तान की बात महाराजा रणजीत सिंह के राज को खालिस्तान बोलते हैं, उसके बाद 1934 में खालिस्तान का मता आता है, 1949 में महाराजा पटियाला जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ग्रैंड फादर हैं उन्होंने खालिस्तान की डिमांड की है, खालिस्तान की डिमांड, सिख होमलैंड की डिमांड चलती आई है, ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है 1984 का, ये मीडिया प्रोपोगेट, उनको नॉलेज नहीं है। हमारे पास न्यूज़ की कटिंग है तब 1934 की, जब खालिस्तान बाय वर्ड मेंशन हुआ, सो जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये चीज़ें सब बनी हैं, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तो खालिस्तान क्यों? तो इसीलिए खालिस्तान की मांग करें बार बार अलग। खालिस्तान हमारा इंस्पिरेशन है, हमारा राज है, जो महाराजा रणजीत सिंह का एम्पायर था, वी आर क्लेमिंग दैट एम्पायर बैक।
देश के विरोध में नहीं लगता आपको? विरोध में नहीं, देखो देश के विरोध में अगर तब हो जब हमने को वायलेंट तरीके से इसको मांगे, अभी तक तो पीसफुल है ये। और डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट देश के लिए हायर अथॉरिटी है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट जो होता है वो लॉ बन जाता है। उन्होंने 2006 की उनकी जजमेंट है जिसमें उन्होंने बोला कि खालिस्तान की डिमांड पीसफुल मैनर में इज़ नॉट अ क्राइम, और उसके साथ कॉन्फ्रेंस करें आप, उसके फ्लैग लगाएं, उसका लिटरेचर बांटें, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट अगेंस्ट एनी लॉ। सो हमें वो प्रैक्टिस करनी दिया। जो अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ, जो आपके समर्थक थे वो सब लोग वहाँ पे थे, काफ़ी ज़्यादा उपद्रव मचा, सबकी ने तस्वीर देखी, वो क्या वायलेंस था? दैट इज वायलेंस, पर उस वायलेंस, कोई भी बंदा वायलेंस के समर्थन में नहीं होता, पर क्या उसको टाला जा सकता है, नहीं टाला, ये दो क्वेश्चंस होते हैं। जब जंग लड़ते हैं दो मुल्क तो क्या वो अच्छा होता है? वॉर इज अ गुड थिंग? नो, पर वो लड़ना पड़ता है उनको, क्यों? क्योंकि देयर आर सम थिंग्स यू कांट अवॉइड। ये भी ऐसा ही है, हम लोग पीसफुली आ रहे थे, उन्होंने क्यों लाठीचार्ज किया हम पे? आपकी शादी हुई, अब रिवर्स माइग्रेशन का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है, आप इस बात को रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? होना चाहिए, सिखों को बाहर से वापस आना चाहिए, और मेरी जो शादी है वो रिवर्स माइग्रेशन तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन मेरी वाइफ और मैं यहीं पे रहेंगे। अच्छा, आपने गन कल्चर की बात की, ये सारे वेपन्स आपके आसपास दिख रहे हैं, हर कोई ये जानना चाहता है क्या ये वेपन लाइसेंस ही है, क्या आपने इसके पास देखें? इसकी डिटेल सब गवर्नमेंट के पास होती है, अगर हम लाइसेंस्ड वेपन रखेंगे तभी ये 12 बोर 315 है। अनलाइसेंस्ड वेपन होगा तो AK-47 ना होगा हमारे पास, सो उनको भी समझना चाहिए कि ये लाइसेंस्ड ही वेपन है। अच्छा, हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है, आप अपने बारे में जरूर बताएं, क्योंकि जो इस समय देख रहे हैं देश विदेश में आपको लोग, क्योंकि हर कोई आपको, आपकी तुलना सीधा भिंडरवाला जी से कर रहा है, भिंडरवाला से कर रहा है। नहीं करनी चाहिए, भिंडरवाला इज अ सेक्रेड फिगर इन सिख, आई एम नथिंग कंपेयर टू हिम, सो आई विल नॉट कंपेयर माई सेल्फ टू भिंडरवाला संत जी, उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया सिखों के लिए। और यही प्रॉब्लम है पंजाब में, आप जाएं आपको तस्वीरें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और इवन सप्रेशन के बावजूद ये सब कुछ होता है, उनकी तस्वीरें आई हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। पंजाब के बाहर के लोगों को लगता है कि ये दो चार बंदे होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन पंजाब टोटली 90% भिंडरा वाले के फेवर में ही है, और वो रहेगा, क्योंकि अगर ये आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो हमारे हीरो हैं, तो आप अगर किसी के हीरो को डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो आपको उनको भी डिफाइन नहीं करना चाहिए अपने तरीके से, वो हमारे लिए लड़े और हम उनकी रिस्पेक्ट करें। अब आप यहीं रहकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, हालांकि सरकार कहती है कि खालिस्तान जो मूवमेंट है ये बिल्कुल देश के विरुद्ध है। नहीं, देश के विरुद्ध तब जाएगा अगर ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, तो आप सपोर्ट करेंगे डेमोक्रेसी के? अगर डेमोक्रेसी का गान हो, डेमोक्रेसी को खत्म किया जाए, आप सपोर्ट करेंगे? अगर डेमोक्रेसी को मारा जाए आप तो नहीं सपोर्ट करेंगे ना, तो डेमोक्रेटिक राइट को अगर खत्म किया जाए तो आपको हमारे साथ खालिस्तान की सपोर्ट में आना चाहिए। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या वायलेंस के आप हक में है, जो हुआ वो वायलेंस था या नहीं? मैं हक में और विरोध में नहीं होता, मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है, मैं अवॉइड करता हूँ चीज़ों को, अगर वो मेरे कंट्रोल से बाहर जाती हैं तो उससे पहले मैं बहुत बार 10 बार वार्निंग देता हूँ गवर्नमेंट को, प्लीज़, मैंने प्लीज़ शब्द तक यूज़ किए, डोंट डू दिस, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, डोंट टेस्ट पीपल्स पेशेंस। वायलेंस जो है हर चीज का कोर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करना चाहते। आप गवर्नमेंट का जिक्र, मतलब पंजाब गवर्नमेंट से कर रहे हैं, आपको लगता है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आपके ऊपर दबाव बना रही है जिसकी वजह से वायलेंस हुआ? स्टेट, इंडियन स्टेट दबाव बना रही है, मिलके बनाते हैं वो लोग, वो बोलते हैं ना आम आदमी पार्टी को हमने बोला वॉच रखें, क्या वॉच रखनी है मेरे को? आई एम ट्राइंग टू यू नो गेट यूथ आउट ऑफ ड्रग्स, तो ये वॉच करनी है, इनका काम है, ड्रग्स को कंट्रोल करना किसका काम है? मेरा काम थोड़ी है, मैं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ, वो फिर भी इस पे मुद्दे बना रहे हैं। नहीं, और ये अमृतपाल सिंह जी थे जो, इनके जितने भी समर्थक हैं उनके हाथों में वेपन जरूर है, इनका ये कहना है कि जो वेपन्स हैं दरअसल ये सारे के सारे वेपन्स इनके पास लाइसेंस ही हैं, और इसीलिए अब इस बात को ये आगे रख रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय नेगी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। तो ये पूरी बातचीत आपने सुनी, दरअसल कल अमृतपाल ने अपने समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर धावा बोल दिया था, आज वो अपने समर्थकों के साथ अजनाला में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृतपाल के समर्थक हथियारों से लैस हैं और धार्मिक नारेबाजी कर रहे हैं, इसी पर दिखाते हैं आपको इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट। हम इस समय अजनाला में हैं और अमृतपाल, जिनको ये कहा गया कि वो पूरी तरह से खालिस्तान के समर्थन में है और उपद्रव मचा रहे हैं, और इसीलिए अब वो इस गाड़ी में बैठे हैं, और यहाँ पर सामने देखें तो उनके जितने भी लोग हैं वो हैं, वेपन पे AKF लिखा हुआ है, 1, 2 बॉडीगार्ड, 3, 4
पांच छह सात आठ नौ दस, दस लोगों का क्लोज प्रोटेक्शन उनके इर्द गिर्द है, और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके हाथों में जो निहंग हैं वो साथ चल रहे हैं, भाले हैं, उसके अलावा डंडे हैं, और हर किसी के पास जो यहाँ पर चल रहा है उनके साथ वो सभी इस तरीके से इक्विप्ड है। और यहाँ पर आप देखें तो इस समय खुद अमृतपाल यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनका काफिला चल रहा है, धीरे धीरे वो आगे की तरफ जा रहे हैं, और आगे बढ़ने के साथ जो उनका ये पूरा गाड़ी का काफिला है वो ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है, इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही सवार होकर चले। और यहाँ पर आप देखें तो ये उनके सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं वो एक तरीके से पूरा घेरा बनाकर हमेशा उनके साथ रखते हैं, और यही वजह है कि जब उपद्रव मचा, जब अजनाला के पुलिस स्टेशन पर ये सभी लोग पहुंचे तो फिर आमने सामने पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई। हालांकि ये कह रहे हैं कि वो वायलेंस के खिलाफ हैं, वो वायलेंस नहीं चाहते, लेकिन हम आपको अजनाला से दिखा रहे हैं इस समय अमृतपाल का रोड शो, जिसके जरिए वो यहाँ के लोगों को एक मैसेज भी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो ड्रग्स के खिलाफ है, लेकिन जो वायलेंस हुआ है उस वायलेंस में जिस तरीके की चुनौती पुलिस को दी है वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, और इसीलिए अब जब तूफान सिंह जो इनके सहयोगी हैं उनको रिहा कर दिया है तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। एक बार फिर से आप देखें कि अंदर अमृतपाल है और गाड़ियों पे जो उनके गार्ड्स हैं वो हैं, वेपन पे AKF लिखा है। AKF का मतलब ये इनकी अपनी क्लोज प्रोटेक्शन टीम है। ये इस समय चौराया है, एक तरफ जहां पंजाब पुलिस है तो वहीं दूसरी तरफ यहां पे अमृतपाल के वो सभी सहयोगी हैं, उनके समर्थक हैं जो यहां पर मौजूद हैं। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है अजनाला से एक एक तस्वीर जहां पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे, खालिस्तान की मांग उठाई गई, और फिर अमृतपाल और उनके सभी सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन अजय नेगी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, अजनाला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।